हेलो एवरीवन मेरे पास बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जब हम अपने हैंडल को लॉक करते हैं तो हमें अपने हैंडल को हल्का सा राइट साइड की तरफ क्यों मूव करना पड़ता है यानी कि जब अपने हैंडल को लॉक करते हैं तो हम हल्का सा अपने हैंडल को राइट साइड की तरफ टिल्ट करते हैं तब जाके हमारे हैंडल का जो लॉक है वो वर्क करता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये हैंडल है जब मुझे इस मैकेनिज्म से लॉक करना है अपनी गाड़ी को पुश लॉक अपने मैकेनिज्म से अपनी गाड़ी को गाड़ी के हैंडल को लॉक करना है तो हमें हल्का सा ऐसे टिल्ट करना पड़ता है फिर हमारी गाड़ी जाके लॉक हो जाती है इसके पीछे का रीज़न क्या है इसके पीछे का ऑब्वियस रीज़न मुझे भी नहीं पता था और मैंने जब गूगल किया तो मुझे गूगल में भी नहीं मिला क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे आ जाते हैं लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता चला एंड मेरे पास पुरानी मैस्ट्रो थी उसमें भी यही वाला री। मतलब सिस्टम फॉलो होता था कि आप हल्का सा अपने हैंडल को टिलेट टे मूव करें मतलब हल्का सा मूव करें राइट की तरफ फिर आपका हैंडल जो है लॉक हो जाता था और मेरे दिमाग में आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया बट उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक हुई कि दरअसल ऐसा क्यों होता है आइए मैं आपको बताता हूँ मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा देखिए इस वाले का जो मैकेज़म है देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑफ फ्यूल सीट एंड ऑन और ये इग्निशन अपना ऑन हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना तो ये वाला जो मैकेनिज्म है एक फंक्शन पर वर्क करता है यानी कि ये सिर्फ एक फंक्शन है एंड ये जो पुश लॉक है ये सेकंड फंक्शन है यानी कि ये जो हम ऑन कर रहे हैं ये वाला जो फंक्शन है ये पूरे लीवर वाला फंक्शन है ये पूरे लीवर का फंक्शन है क्योंकि फ्यूल सीट लीवर से ओपन हो रही ऑन मतलब वो बैटरी का सिस्टम है इग्निशन हो तो बैटरी का सिस्टम है ही एंड जब हम पुश लॉक करते हैं तो ये सेकेंड मैकेनिज्म वर्क करने लग जाता है एंड जब हम पुश करते हैं अपनी गाड़ी को तो जो क्लिप है जो अंदर की जो क्लिप है जो हैंडल को लॉक करती जो क्लिप है वो एक्टिवेट हो जाती हम पुश लॉक क्यों करते हैं हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं भाई हमको पुश करने की क्या जरूरत है हम पुश ना करना चाहें तो हम बिना पुश करे भी कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं दरअसल ये बोलते हैं कि जब आप जब तक आप पुश नहीं करेंगे तब तक, तक आप अपनी चाबी को रोटेट नहीं कर पाएंगे तो पुश लॉक करते क्या होता है जैसे हम अपनी गाड़ी को पुश करेंगे जैसे अपनी सॉरी अपनी की को जब हम पुश करते हैं तो उसकी जो क्लिप है वो बाहर की तरफ आती है और क्लिप जब बाहर की तरफ आती है तो वो किसे लॉक करे किस को लॉक करे वो तो जब हम अपने हैंडल को हल्का सा ऐसे टिल्ट मूव करते हैं जैसे अपने हैंडल को हल्का सा मूव करते हैं वो जो क्लिप जो है वो उस हैंडल के लॉक मैकेनिज्म में लगा जाती है जब हम ब्लेट छोड़ते हैं तो हमारा हैंडल जो है लॉक मिलता है जैसे अभी मैं लॉक कर रहा हूं तो मेरी गाड़ी लॉक नहीं हो रही बट मैं अब हल दिखेगा हल्का सा मतलब मैं थोड़ी दूसरे हाथ से कर रहा हूं देखिए लॉक हो गई है? आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको एक हल्का सा साउंड सुनाई देगा कि क्लिप जो है जाके हैंडल के लॉक में लग चुकी है आप हल्का सा ओपन करेंगे अब देखिए बिना मूव करें अपनी हैंडल आपका खुलेगा भी नहीं आपको हल्का सा चाबी पुश करना पड़ेगा क्लिप को आपने बाहर किया एंड आपने गाड़ी को हल चाबी को हल्का सा मूव कर दिया एंड आपकी जो है आ, ये जो आपका हैंडल है वो अनलॉक हो गया आई थिंक सो ये ऑब्वियस रीज़न हो सकता है दरअसल ये जो पुश करने का मैकेनिज्म है ये क्लिप मैकेनिज्म के ही सिस्टम पर वर्क करता है एंड हो सकता है कि जो इसका जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो जो फ्यूल सीट का ऑफ का एंड ऑन का वो अलग मैकेनिज्म पे है एंड ये वाला जो मैकेनिज्म है वो अलग मैकेनिज्म पे यानी कि लॉक पूरा एक ही है लेकिन जब हम पुश करते हैं तो उसकी जो क्लिप है वो एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो हैंडल का लॉक है वो लग जाता है क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा ये वाला ऑब्वियस रीज़न लगता है आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल गाइस